30 रुपए हो गए मैडम इसके। हाँ ये लो। एक बात पूछू? हाँ बोलो। मैं जब भी इस घर में कोई सामान देने आता हूँ तो आपके अलावा और कोई नजर नहीं आता, सब लोग ड्यूटी जाते हैं क्या? नहीं भैया, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, फैमिली में कोई और नहीं है क्या? मेरी फैमिली यूपी में रहती है, वही मेरा घर है। यहाँ तो मैं जॉब करती हूँ, अकेले इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि दिल्ली में मेरा अपना कोई नहीं है। ओ अच्छा, तो ये अकेली रहे वो, इसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। आज ये अपने दोस्त को बताता। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मैडम, चलता हूँ। जी कौन? मैडम मैं बिजली विभाग से हूँ, हमें आपके मीटर की रीडिंग लेनी थी। मीटर की रीडिंग लेनी थी, लेकिन आज से पहले तो कभी चेक नहीं हुई। वो क्या है ना मैडम, हमें इस बिल्डिंग से कंप्लेन आई थी कि यहाँ पर कुछ मीटर बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सारे मीटर की चेकिंग करने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, वो रहा मीटर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? मैडम आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। एक मिनट मैडम, मेरी बात तो सुनो। तुम दरवाजा खोलते हो या फिर मैं चिल्लाऊं? ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है, और यहाँ पर तुम्हारे चीखने चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैडम आप बिल्कुल सेफ हो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस आपको एहसास दिलाने आया हूँ कि अनजान शहर में अकेली लड़की बिल्कुल सेफ नहीं है। सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। अकेली? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली रहती हूँ? हेलो सुनना भाई, मैं जिस बिल्डिंग में पानी देने आऊँ उसमें एक लड़की रहती, वो भी बिल्कुल अकेली, बहुत मस्त है यार। मैं तो बोल रहा हूँ उसके फ्लैट में किसी भी बहाने से घुस जाते और फिर मजा ही मजा। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसको पता लगेगा यार, वैसे भी उसका इस शहर में कौन है? कोई भी नहीं, और किसी को इतना मतलब भी नहीं है। तू ठीक है, शाम को मिल। शहर में अकेली लड़की को बहुत समझदारी से रहना पड़ता है, यहाँ पर इंसान कम हैवान ज्यादा है जो हर कदम पर लड़कियों को नोच खाने के लिए बैठे हैं, और तुम जैसी भोली भाली लड़कियां उनका सबसे पहले शिकार बनती हो। क्या जरूरत है किसी को अपनी पर्सनल डिटेल देने की? थैंक यू सो मच, अगर आज आप टाइम से नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। बस बस, थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। हर कदम पर सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद।